जमानत के लिए आसाराम आज हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील। शिवा के सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस को अब सीडी की तलाश, अब भी पकड़ से बाहर है शिल्पी। कोलगेट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा जरूरत पड़ने पर सीबीआई कर सकती है किसी से भी पूछताछ। चार संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा में पास। नए बिल में ग्रामीण इलाकों में चार गुना तो शहरी इलाके में दो गुना ज्यादा मुआवजे का प्रावधान। दागी नेताओं पर सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पुनर्विचार याचिका। सरकार से पूछा हिरासत में कोई शख्स वोट नहीं डाल सकता तो लड़ कैसे सकता है चुनाव। दो साल से ज्यादा की सजा होने पर रद्द होगी सदस्यता। बालिका वधु प्रत्यूषा बैनर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड पर लगाया मारपीट का आरोप। बॉयफ्रेंड मकरंद ने आरोपों से किया इनकार, कहा मुझसे छुटकारा पाना चाहती है प्रत्यूषा। और मुंबई में सड़कों पर बने गड्ढों को लेकर बीएमसी हाईकोर्ट में आज देगी जवाब। सड़कों की खराब हालत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस।